जय जुनेन्द्र दर्शकों, परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का 1 अप्रैल को अशोकनगर जैन मंदिर दिल्ली में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य श्री ससंग के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन अतिथि भवन का भव्य लोकार्पण किया गया और आचार्य श्री जी का 13वां एलाचार्य पदारोहण दिवस और मुनि श्री ज्ञानानंद जी और मुनि श्री सर्वानंद जी का 11वां मुनि दीक्षा दिवस का आयोजन अशोक नगर में किया गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती पूनम जैन, अरविंद जैन, अर्पित जैन, अनुष्का जैन, अशोक नगर, दिल्ली।
गुरु भाव अपने मुखार से घट किए तेरी तस्वीर दिल में तेरे सम्मान करें इसके बाद चित्रण करें रहेंगे प्रभाव से और जब चित्रण करें तो उसी के बाद ही चित्रण करें आप कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है मौसम में साथ में जीत में ये तस्वीर है ये तस्वीर है ये तस्वीर है ये तस्वीर है Thank you.
जोरदार ताली बजा दें एक बार। गुरु वंदना में अपने गुरु वंदना की ओर आगे बढ़ता रहूं। इसके पूर्व हमारे बीच में कुछ अतिथि यहाँ बता रहे हुए हैं। अशोक नगर जनसभा उनका सम्मान करना चाहती है। गुलाब पाटका के प्रधान सम्मान संजीव जी आए अध्यक्ष वहां के समाज के पूज्य आचार्य से आशीर्वाद लेते हुए समाज का सम्मान स्वीकार करें। आज संजीव जी इसके बाद पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में ज्योति कार्यक्रम से कवल जी, संजय जी, अनुप जी, जो भी महानवाध्यक्षता से सभी महानवा पूजा आचार्य हमसे आशीर्वाद है, दोनों समिति का सम्मान स्वीकार करें। इसके बाद तैयार रहेंगे धर्म जगते संस्थान सहारा का हिमांशु जैन फरीदाबाद को भी जाए नाम भूल चुका है संस्थान का। ज्ञान के बारे में
आप सभी को पता है 200 से ऊपर गुरुदेव ने ग्रंथ अपने रचे हैं। प्राकृत में भी 30 से ऊपर ग्रंथ ग्रंथों का जो उनका संकलन है वो 30 से ऊपर ग्रंथों का है। पंचकल्याण भी 100 से ऊपर हो चुके हैं गुरुदेव के। आज इस ऐतिहासिक दिन पर देखो बंधु, 1 अप्रैल को सारी दुनिया अप्रैल फूल मनाती है, कहते हैं कि अप्रैल फूल मनाता है, लेकिन अपने लिए तो पावन दिन है, पाशल्य का दिन है, हमारे लिए तो पूजनीय है। जिस दिन गुरुदेव का एलाचार्य पदारोहण हुआ वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। तो मैं इतना ही कहते हुए गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरुदेव आपका वात्सल्य हम पर सदा बना रहे और आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें और अपने स्वतंत्र का पालन करते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें, हम यही प्रार्थना करते हैं। इसके साथ साथ बंधुओं, आज के दिन ही ज्येष्ठ मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज का और मुनि श्री श्रवणानंद जी महाराज का दीक्षा दिवस भी है। श्री ज्ञानानंद जी महाराज अपने नाम के अनुसार ज्ञान के भंडार हैं, हर किसी का हंसते हुए स्वागत करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और हर समस्या का समाधान, किसी भी तरह की समस्या हो उसका समाधान मुनि श्री ज्ञानानंद जी के पास होता है। और हम अक्सर देखते हैं कि आचार्य श्री भी उनसे महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह लेते हैं और तभी आगे कुछ काम करते हैं। तो मैं मुनि श्री ज्ञानानंद जी के चरणों में भी अपने कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हो और अपने रत्नत्रय का पालन करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करें। मुनि श्री सर्वानंद जी महाराज का भी आज दीक्षा दिवस है। मुनि श्री सर्वानंद जी महाराज तप और त्याग की मूर्ति हैं। उनको हमेशा हमने साधना में ही देखा है, जाप करते रहते हैं, बात नहीं करते किसी से, केवल गुरुदेव से ही उनका चर्चा होती है। हमसे तो बहुत दिन हो गए पर पता नहीं कब चर्चा हुई होगी, वो भी एक त्याग की विशाल है और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं उनकी साधना से। मैं उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और अपने रत्नत्रय को धारण करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उपकार तेरा इज्जत की रोटी खाए परिवार मेरा हो, इतना क्या कम है। उपकार तेरा इज्जत की रोटी खाए परिवार मेरा हो, इतना क्या कम है। अधिक इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पाणी को विराम दे रहा हूं और गुरु चरणों में
निरंतर निवेदन करता हूँ भाई गुरु, हे गुरुवर अपने वात्सल्य अपनी कृपा दृष्टि मेरे पर नहीं सभी प्राणी मात्र पर बनाए रखे, सबका कल्याण करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। है हमारे आराध्य भगवान आचार्य 108 वसुमंती जी मुनिराज, जब आप इनके उनके निकट नजदीक जाएंगे और जब ये पूछा के एक बार आशीर्वाद देंगे अगर आपको वर्तमान में किसी दिगंबर मुनिराज का मित्रता का भाव और मित्रता का आशीर्वाद लेना है तो साक्षात विराजमान है हमारे आराध्य भगवान आचार्य 108 श्री वसुनंद जी मुनिराज। जब इनके समीप कोई से भी धर्म का किसी भी वैभव वाला गरीब अमीर निर्धन कोई भी नजदीक जाता है और जब ये पुचकार कर एक बार कहते हैं आशीर्वाद देते हैं तो आपको तीनों लोगों की संपदा वैभव प्राप्त हो जाता है। ऐसे मुनिराज के एलाचार दिवस पर मैं मेरी समस्त अशोकगढ़ जैन समाज, मेरी समस्त भारत की जैन समाज इनके चरण कमल में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करती है और भगवान महावीर स्वामी से आदर निवेदन कर दिया गया ये श्री शीघ्र अति शीघ्र अपनी मोक्ष मार्ग पर बढ़ते इस्लाम में विराजमान हो। आचार्य 108 श्री वसुनंद जी मुनि महाराज की जय। मेरे गुरुवर की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है, कोई पार ही नहीं है मेरे गुरुवर की महिमा का। वात्सल्य की मूर्ति है मेरे गुरुवर के जितना महान शायद कोई हो ही नहीं सकता। मुझे अपने गुरुवर के चरणों में सारी पूरी दुनिया की समस्त निधियां नजर आती हैं, उनके चरणों में ही हमारा सारा संसार नजर आता है हमें। मैं अपने गुरुवर से यही प्रार्थना करूंगी, यही विनती करूंगी कि अपनी कृपा दृष्टि हम पे सदा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद हम पे सदा बनाए रखे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेश की भगवान की, 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनि महाराज की, एवं कमल कोटि मुनि राजो की, समस्त आचार्य संघ की। आज वह पल है कि गुरु के बारे में कहने का, लेकिन गुरु शब्द एक वह शब्द है कि यदि गुरु की वाणी के लिए जो दिव्य ध्वनि खिलती है या जो ग्रंथों का लेखन गुरु के निमित्त से होता है या श्रावक के लिए जीवन को जीने की कला सिखाते हैं, ऐसे गुरु के बारे में इतने कम समय में क्या कहा जाए। मात्र यदि हम मनुष्य गति के जीव के बारे में कहें तो सभी लोग जानते हैं, जैसे अभी सभी लोग कह रहे थे कि पुचकार करके आशीर्वाद देते हैं, ये तो मनुष्य गति के जीव की चर्चा हो गई। 96 की बात है कि पूज गुरुदेव दमोह में चातुर्मास कर रहे थे, जब एक तोता उड़ करके पूज गुरुदेव के चरणों में आया और वह 3 दिन तक पूज गुरुदेव के चरणों में रहा और अंत में पूज गुरुदेव के मुख से नमोकार का उच्चारण सुन करके अपनी देह का परित्याग किया। तो ये तो त्र्यंच गति के जीव के प्रति भी करुणा और दया वात्सल्य इसने पूज गुरुदेव का है। यदि देव गति के जीव के बारे में कहा जाए तो वास्तव में वह दृश्य देखा हुआ है आंखों से कि महावीर जी का विहार चल रहा था और करमपुरा की जो घटना थी उस समय पूज गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया वह तो वास्तव में देखने योग्य ही था। तो ऐसे पूज गुरुदेव के बारे में क्या कहा जाए। यदि शब्द को सजोती हूँ तो शब्द भी नहीं है। कहा है किसी ने क्या, स्याही समुद्र भरे हो लिपि सर विभाषा पन्ना तो भी ना पारे
यदि समुद्र के पानी को स्याही बना लिया जाए और पृथ्वी को कागज बना लिया जाए और वृक्ष की प्रत्येक डाली को कलम बना लिया जाए, फिर भी हम गुरु के गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। बस पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही कहूंगी, एलाचार पदे कि इस तुम अवसर पर उपहार तुम्हें मैं क्या दे सकती हूँ, आप शीघ्र बने भगवान, बस यही कामना कर सकती हूँ। लेकिन उससे पहले एक चरणों में बात जरूर रखूंगी कि हे पूज्य गुरुदेव, यदि सिद्धत्व की प्राप्ति आप करते हैं तो उससे पहले हम सभी शिष्य को उस अवस्था तक भेज दें जिससे कि हम लोग कभी ऐसा ना हो कि संसार के इस बंधनों में फंस जाएं। तो आप कृपा करके हम सब शिष्यों पर यह कृपा दृष्टि बनाएं कि पहले हम लोगों को भी उस सिद्धत्व तक पहुंचाएं। तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है, वसुनंदी गुरु तुम इसे हम सब शिष्यों को उस सिद्धत तक तो प्राप्त करवाएं। ऐसी भावना के साथ जय मुनि परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनि महाराज की। तपोनिधि धात्री उदधि गुण योक्ताय च नमः, चमोद्भूत मूर्तिवान् सुशिव पथे दात्री महाज्ञानी वक्त्रे परमिमुनये वामि नमः, विधात्री अस्माकं सुगुरु वसुनन्दे सति नमः, विधात्री अस्माकं सुगुरु वसुनन्दे सति नमः, विधात्री अस्माकं सुगुरु वसुनन्दे सति नमः। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। अभी लग नहीं रहा कि आप लोग यहाँ पर गुरु भक्ति के लिए उपस्थित हुए हैं। लगना चाहिए कि आपके अंदर उमंग है, उत्साह है, भक्ति है, और वे आपके वाणी और काया के माध्यम से ही मन की पहचान होगी। तो देखते हैं किसके अंदर कितनी उमंग है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज के। अहिंसा में विश्व धर्म के बोले परम पूज्य प्रज्ञानंद जी महाराज की। सीप की अंजलि में सागर को भरने जैसा, नन्हे पंखों में अंबर को छूने जैसा, और छोटे से दीपक में सूर्य के प्रकाश को समेटने जैसा होता है। हम शिष्यों के द्वारा शब्दों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के महान व्यक्तित्व को कह पाना, धर्मिष्ठ नहीं मानूंगा। जैसे कोई पानी की बूंद यदि कहीं अलग पड़ी हो तो कोई भी एक सूर्य की किरण आकर के उसे सुखा सकती है, किंतु वही बूंद यदि सागर में आकर के समाहित हो जाए तो सैकड़ों सूर्य भी आकर के उस बूंद को सुखा नहीं सकते। हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष उस छोटे से बूंद के समान हैं
लेकिन पुण्योदय अति तीव्र है कि ऐसे गुरुदेव रूपी महासागर का सानिध्य प्राप्त हुआ है जिसे सैकड़ों सूर्य भी आकर के सुखा नहीं सकते। एक कोई नन्ही चींटी यदि यहां से चलना प्रारंभ करे और उसे लाल मंदिर तक जाना हो, लाल मंदिर तो पास में है, यदि उसे यहां से दक्षिण भारत में जाना हो, बाहुबली जाना हो, तो कितने समय में पहुंच जाएगी? पहुंच ही नहीं पाएगी। उसका जीवन कितना बचेगा कह नहीं सकते। किंतु यदि वही चींटी जो बाहुबली जा रहा है या समीर जा रहा है उसकी पीठ पर बैठ जाए तो जितनी देर में वह व्यक्ति पहुंचेगा तो वह चींटी भी पहुंच जाएगी। ऐसे ही हम सभी संसार में भटके हुए प्राणी हैं, पता नहीं मोक्ष को कब प्राप्त कर पाएंगे। यदि परम पूज गुरुदेव जो मोक्ष मार्गी हैं इनके चरणों को पकड़ लेंगे तो इनके साथ में हम संसार से पार हो जाएंगे। महानुभाव परम पूज गुरुदेव का व्यक्तित्व शब्दों में कह पाना अत्यंत कठिन है। शब्दों की तो सीमाएं हैं, लेकिन हम जब अपने भावों को देखते हैं और परम पूज गुरुदेव के व्यक्तित्व को अनुभव करते हैं तो उसको ऐसा लगता है यदि शब्दों को इकट्ठा किया जाए व्यक्तित्व में तो एक लोक क्या, ऐसे तीनों लोक कई बन जाएं तो वो भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। महानुभाव गुरु की संगति के बारे में बताएं कि गुरु का महत्व क्या है। गुरु वह ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहिरात्मा को अंतरात्मा बना देते हैं। गुरु ऐसे व्यक्तित्व हैं जो संसार मार्गी को मोक्ष मार्गी बना देते हैं, और गुरु ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको प्राप्त करके गुरु के माध्यम से प्रभु मिल जाया करते हैं। गुरु के चरण वह नाव हैं जो संसार सागर से पार लगाते हैं। गुरु बिना ना कोप्यस्ति भव्या नाम भवतारका। गुरु के बिना संसार में ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं है जो हम संसारी प्राणियों को संसार सागर से पार कर सके। परम पूज गुरुदेव कई बार बताते हैं गुरु का अंक नौ के अंक के समान होता है। किसके समान? नौ के अंक के समान। और संसारी प्राणी का जीवन आठ के अंक के समान होता है। जब संसारी प्राणी से मिलता है तो उसका डिमोशन होता जाता है। आठ और आठ सोलह, सात छह और एक सात, आठ से डिमोशन कम हो गया सात हो गया। यदि शादी हो गई तो डिमोशन हो गया और फिर संतान उत्पत्ति हुई, तीन हो गए तो आठ तीन चौबीस, चार और दो छह और डिमोशन हो गया और संतान आठ चौ बत्तीस, तीन और दो पांच और डिमोशन हो गया और आगे बढ़ती गई संख्या तो आठ पंजे चालीस, चार और जीरो चार रह गए, आगे और बढ़े तो आठ छ अड़तालीस, आठ और चार, चार और आठ बारह, दो और एक तीन और आगे आठ सात छप्पन, छ और पांच ग्यारह, एक और एक दो और डिमोशन हो गया और आठ आठ चौसठ, छ और चार दस, एक रह गया
और डिवोशन हो गया। अब क्या करें, डिवोशन होता ही जा रहा है। पहुंच जाओ गुरु चरणों में, नौ का अंक है ये और आठ नहीं, 72, 7 और 2, 9 क्या हुआ, प्रमोशन हो गया। अब संख्या बढ़ गई, 8 से 9 पर पहुंच गए। यदि 10 का अंक होता है तो भगवान परमात्मा का अंक होता है और 8 × 80 तो वहां पर उतने ही रहते हैं। जब भी श्रावक के संसारी प्राणी के जीवन में प्रमोशन होता है वह गुरु की संगति मिलने पर ही होता है। 8 का कभी भी प्रमोशन होगा तो 9 के साथ ही हो सकता है, अन्य जगह तो घटता ही जाए। तो इसलिए यदि अपना प्रमोशन चाहते हैं तो क्या करना है, गुरु चरणों से लौ लगानी है बिना शर्त के, बिना कंडीशन के। यदि जहां कंडीशन है, जैसे एक और एक के बीच में कंडीशन कोई भी रहेगी, प्लस में तो 2 हो जाएंगे, माइनस है तो 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा। लेकिन यदि कंडीशन हटा दी तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। महानुभाव, यदि ऐसे ही हमारी गुरु संगति ऐसी भक्ति बनी रहे तो ये भक्ति मुक्ति को देने वाली है। जैसे स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद आसमान से गिरती है, यदि वह बूंद सीप के मुख में जाती है तो क्या बन जाती है, मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में जाती है तो क्या बन जाती है, जहर बन जाती है। वही बूंद यदि नीम के खेत में जाती है तो कड़वी हो जाती है, और गन्ने के खेत में जाती है तो मीठी हो जाती है। नींबू में जाती है तो खट्टी हो जाती है। केले के पत्ते पर जाती है तो कपूर बन जाती है। मिट्टी में जाती है तो कीचड़ बन जाती है, और भगवान के मस्तक पर चढ़ जाती है तो वही कंदोदक बन जाती है। महानुभाव, ऐसे ही हमारा जीवन पानी की बूंद की तरह से है। यदि संसारी प्राणी की ही संगति रही तो हमारा जीवन में कीचड़ बन जाएगा, मिट्टी में पड़ी बूंद की तरह से, और यदि गुरु चरणों में हमारा जीवन समर्पित हो गया तो वही हमारा जीवन कंदोदक बन जाएगा, पूजनीय और अभिनंदनीय बन जाएगा। महानुभाव, गुरु के माध्यम से हम सबको बहुत शिक्षाएं मिलती हैं जिससे हम सम्यक मार्ग पर गतिशील हो जाते हैं। गुरु के जीवन ऐसा जीवन है जो हमें भी लघु बन के भी गुरु बना देता है। अभी वर्षा दीदी भजन गा रही थी, गुरु की गुरुता तो है ही लेकिन लघुता की भी बड़ी बात है। और परम पूज्य गुरुदेव कई बार कहते हैं गुरु कब बनते हैं, गुरु कब बनते हैं, गुरु बनते हैं जब 2 लघु मिल जाते हैं तब गुरु बन जाते हैं। हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण होती है, 2 लघु आपस में जुड़ जाए तो वही गुरु बन जाते, की मात्रा डबल हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन में इतने, किसी सामने वाले से गलती भी हो जाए ना तो उसको इतनी पोलाइटनेस उनके अंदर रहती है कि वो फिर गिरने से बच जाता है। कोई व्यक्ति या कोई मोक्ष मार्गी अपने आचरण से या किसी सम्यक मार्ग से पीछे हट रहा है तो सम्यक दृष्टि का एक अंग होता है उपगूहनम और स्थितिकरणम। और सम्यक दृष्टि उपगमन का आशय होता है उसकी गलती को छुपा लेना और छुपा करके उसका स्थितिकरण कर देना, अर्थात पुनः उसे धर्म में लगा देना। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव को हमने देखा है कई बार कि वो यदि कोई पतित हो रहा है तो उसको संभालने के लिए खुद भी झुक जाते हैं। हमने परम पूज्य गुरुदेव से पूछा भी, गुरु जी आप इतने बड़े आचार्य हैं और एक सामान्य कोई त्यागीवती है या कोई मोक्ष मार्गी है उसको यदि उसके परिणाम बिगड़ रहे हैं उसको उठाने के लिए आप इतने भी झुक जाते हैं, इतने बड़े आचार होकर के
इतनी झुक जाते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, बहुत प्यारी बात अच्छी लगी, यदि अंदर में बैठती है बात। उन्होंने कहा था जब कोई अपनी वस्तु गिर जाती है तो उसको उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। यदि हम नहीं झुकेंगे तो अपनी वस्तु नीचे ही गिरी रह जाएगी और वे कभी भी उठ नहीं पाएगा। यदि उसे उठाना है जो हमारी शरण में है तो हमें तो थोड़ा झुकना ही पड़ेगा। ये गुरुजी के माध्यम से हर किसी परिस्थिति में वो ऐसे संभालते हैं, हम तो घबरा जाएं, छोटी छोटी बात पर अपने धैर्य को खो दें, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव अपने धैर्य को नहीं खोते। आपने देखा होगा सन 2012 में परम पूज्य गुरुदेव का जब काफी स्वास्थ्य खराब था शंकर नगर में, तब शंकर नगर के प्रधान जी भी आए थे वहां पर, शंकर नगर पहुंच नहीं पाए थे, मंडोला से बिहार हो गया था, बलराम नगर में थे और शंकर नगर में पंचकल्याणा होना था, गुरु जी का स्वास्थ्य खराब, तो शंकर नगर वाले आए और कृष्णा नगर के भी लोग आए थे, कहने महाराज जी हमारे यहाँ पाचना भी होनी है, यहाँ पंचकल्याण भी है, घबरा रहे थे कैसे होगा, डेट भी फिक्स हो गई है, कार्ड भी छप गए हैं, आपका स्वास्थ्य खराब है कैसे होगा। तो उन्होंने कहा गुरु जी का जहाँ स्वास्थ्य इतना खराब था उठा भी नहीं जा रहा था, फिर भी बोले प्रधान जी चिंता मत करो मैं हूं ना, मतलब सामने वाले को एक ऐसा लगता है, इससे कहते हैं मैं हूं ना, इससे ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई है। हम सब जी भी गुरुदेव कह देते हैं कि मैं हूं ना, आप लोग चिंता क्यों करते हो। ऐसे संभालने वाले परम पूज्य गुरुदेव, इनके चरणों में ही हमारा जीवन बीते। आचार्य ने कहा है आचार्य महाराज कैसे होते हैं, आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा है कि आचार्य भगवान पंचम काल के तीर्थंकर होते हैं, यही धर्म का प्रवर्तन करने वाले होते हैं, इनके माध्यम से ही पंचम काल में धर्म की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए पंचम काल में तीर्थंकर कहलाते हैं। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंदम चरित्र शाखाट्यम मुनिगढ़ बेगा कीड़म आचार्य महात्म बुंदी, जो जिनका मूल सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान जिसके तने हैं और चारित्र जिसकी शाखाएं हैं और जिस ऐसे महातरु पर मुनि रूपी पक्षी विचरण करते हैं, तरह तरह के तपस्या करते हैं, ऐसे महाद्रुम अर्थात महान वृक्ष कल्प वृक्ष रूपी आचार्य महाराज की वंदना करते हैं, ऐसे आचार्य महाराज के चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। इन परम पूज्य गुरुदेव के आज पहले चार पांच दिवस है, 1 अप्रैल 2009 को ग्रीन पार्क में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज के माध्यम से ये आचार्य प्राप्त हुआ। और उस समय पर गुरु जी का पहले जब तिजारा चातुर्मास चल रहा था 2008 में, तभी ग्रीन पार्क में मुनीश्वर जी और भी दो तीन लोग वहाँ के लोग आए थे और कहने लगे महाराज जी आप चलो, गुरु जी आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। कौन सा गिफ्ट, तो उनका सारा गिफ्ट उनका ही है, जीवन ही उनका है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा सब कुछ दिया तो उनका ही है, गिफ्ट स्वरूप है, तुमको बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं, आप जल्दी दिल्ली चलो। क्या बात है, अब दिल्ली पहुंचे और परम पूज्य गुरुदेव ने तब तक आचार्य श्री ने पत्रिका छपवा ली कि 15 दिन के बाद आपका एलाचार पदारोहण दिवस, मुझे पता ही नहीं। और 15 दिन के अंदर सुबह 8 बजे 1 अप्रैल 2009 को सुबह 8 बजे सभी लोग, इतनी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई, कहने लगी चुल्लक जी महाराज ने कह रहे थे महाराज जी एलाचार पद दिवस हो रहा है तो कुछ पहले से तो तैयारी करें, लोगों को सूचना मिले और पढ़ के दें, संडे भी नहीं है दिल्ली में तो संडे चाहिए, और संडे भी नहीं कैसे काम होगा। तो आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने कहा सब हो जाएगा, तो वहां पर देखा कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी, सुबह 8 बजे इतने लोग आ कहां से। महान बाप ऐसा है, दिल्ली नगर भी बहुत पुण्यशाली है, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के उपाध्याय पद दिवस, एलाचार्य पद दिवस
और आचार पदारोहण भी यही दिल्ली में ही हुआ। आज परम पूज मिलास श्री ज्ञानानंद जी महाराज का मुनि दीक्षा दिवस भी है, वो भी 1 अप्रैल दोनों एक साथ, और दो सन 2011 1 अप्रैल सन 2011 उसी जगह पर जहाँ परम पूज गुरुदेव का एलाचार प्रत्येक दिवस हुआ था, मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज, मुनि श्री सर्वानंद जी महाराज हमारे संघ के ज्येष्ठ व श्रेष्ठ मुनिराज हैं, और वयोवृद्ध होने के साथ भी ज्ञान वृद्ध भी हैं, तपो वृद्ध भी हैं, जो हम छोटे मुनि महाराज हैं हम गलतियां करते रहते हैं, और हम गलती करते रहते हैं, हमारे बड़े मुनि महाराज हमारे गुरु जी हमें माफ करते रहते हैं, तो हम क्या देते हैं, क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों को उत्पाद, हम उत्पाद बचाते रहते हैं वो भी क्षमा करते रहते हैं, ऐसी क्षमा की मूर्ति परम पूज गुरुदेव और परम पूज मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज और सर्वानंद जी महाराज, ये हमें हम कुछ भी करते थे मजाक भी कर देते हैं हम कभी, लेकिन बुरा नहीं मानते और हमें क्षमा कर देते हैं, ऐसे परम पूज गुरुदेव और ऐसे भाई हमें हर समय जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो तब तक प्राप्त होते रहेंगे ऐसी भावना बातें हैं। गुरु ही भ्राता, गुरु ही माता, गुरु ही पिता का प्यार है, गुरु ही होली, गुरु ही दिवाली, गुरु ही तीज त्योहार है, हम सब के आधार गुरु बल, तुमसे ही मम जीवन है, गुरु ही दृष्टि, गुरु ही सृष्टि, गुरु ही मुक्ति द्वार है, गुरु ही मुक्ति द्वार है, परम पूज गुरुदेव के चरणों में यही भावना बाते हैं, दो पंक्ति बोलेंगे बस, तुम्हें भुला दूं वो दिन कभी ना आए, जिस दिन तुम्हें भुला दूं वो दिन कभी ना आए, तेरे चरणों में ही गुरु बल, तेरे चरणों में ही गुरु बल, स्वासी छूट जाए, जिस दिन तुम्हें भुला दूं वो दिन कभी ना आए। जब जब हम गुरु को याद करते रहेंगे तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता रहेगा, यदि गुरु को भुला दिया तो हम संसार में पतित हो जाएंगे, डूब जाएंगे। हे गुरुवर हमें संभाले रखना और हमें अपने साथ लगाए रखना, जिससे हम भी आपके साथ उस परम पद को प्राप्त कर सकें। आज हम आपका एलाचार पर दिवस मना रहे हैं, कभी वो दिन भी आए कि आप समोसरण में विराजमान हो, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, हम सब आपकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर बढ़े और आपके चरणों में ही मुनि दीक्षा को पुनः अंगीकार करके उसी भव से मोक्ष को प्राप्त कर लें, यही भावना बाते हैं। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव जी महाराज की। Yeah.
चतुर्मास करने के बाद में फिर एक बच्चा रह जाता तो गुरु जी ने कहा उसको निपटा दिया।
मैंने की एक बड़ी समस्या, तुमने लमटा तो फिर मैं लमटा दूंगा, मैंने कोई बात नहीं, मैं फिर भी गया। मैंने कहा उससे, बेटा अगर तेरी मर्जी है और तेरे को शादी करनी है तो अगर तेरी मर्जी हो तो मेरे को बता दे, और मेरी मर्जी तू कर ले। बोला कि नहीं पापा, मेरे को शादी नहीं करनी। मैंने कि सोच ले, नहीं तो कहेगा कल कि मेरे बाप ने मेरी शादी नहीं की। वो बोला कि नहीं पापा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उस समय उसका जो भाव था, मैंने उस समय बहुत बड़ी गलती की, उसका बच्चा आज होता है, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने समझाया, बेटा तू अभी रुक, क्योंकि तेरा बड़ा भाई तेरे को बैठू है, तू मानता नहीं किसी की, तू थोड़ा समझदार है, तो एक आदमी भाई की जोड़ी बच्चियों की शादी कराया तो फिर आ जाना, तेरे को शादी पकड़नी नहीं। तो मैंने उसे समझाया कि उसको रोक दिया, आज मेरे को फील होता है तो मैंने उसे क्यों रोका। पता नहीं किसका बहरा कितना जागे और मैंने ऐसा गलत काम किया, आज उसकी माँ उसको निकलने दे रही, वो तैयार है, नौकरी भी छोड़ के आ गया, सब कुछ करके आ गया, छोड़ के आ गया, लेकिन वो उसकी माँ रोके भले जाती है तो वो फंसा हुआ है। आप हमको ऐसे गुरु मिले जिसकी हमको कल्पना नहीं थी, जबकि गुरु को मैंने ब्रह्मचारी अवस्था में, क्षुल्लक अवस्था में, मुनि अवस्था में देखा, उसके बाद दर्शन नहीं किए, वो उसके बाद भी हमको मिल गए, ये हमारा बड़ा भाग्य था। और ऐसे कीचड़ के पत्थर को उन्होंने कहा शीशे पर लगा रखा, वो तो तुम्हारे बीच में बैठने वाला, और यहाँ बैठा दिया मुझे। ऐसा चमत्कारी गुरु, ऐसा मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि ऐसे मेरे को गुरु मिलेंगे, और मैं ऐसे यहाँ तक आ जाऊँगा। और हमारे गुरु की ऐसी कृपा है कि जिसकी कुछ कह नहीं सकते, ये ऐसे जादूगर हैं जिसको भी कुछ कारण के आशीर्वाद दे दें और हाथ रख दें तो बस उसका कल्याण हो गया। तो हमको तो ऐसे गुरु मिले हैं भैया, और हमारे ऐसे भाई मिले, हमारे ज्ञानानंद जी महाराज, शर्मानंद जी महाराज, आत्मानंद जी महाराज, इन्होंने हमको संभाला और रखा, बनने का तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ये ऐसे सखा ऐसे भाई हमारे मौजूद है, फिर हमें किस बात की चिंता है। और ऐसे गुरु हैं जिनकी तो कोई मतलब कोई किताब हो तो मैं आपको बांट के सुना दूंगा, ये तो अनंत शास्त्रों को लिखने के बाद भी इनको बता नहीं सकते, ये क्या अपने शब्द नहीं है हमारे पास, तो ये कह सकूँ। मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे गुरु को पाकर मैं तो धन हूँ, आप सब लोग भी धन हो, और इनका आशीर्वाद पाले तो भगवान जाने क्या हो जाएगा, आप भी इस मोक्ष मार्ग पर चले और सबका कल्याण करें। हे गुरुवर, मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरा समाधि मरण आपके चरणों में हो, बस जय हो, नमो भगवान। और किसी की बात महिलाएं भी सौभाग्य प्राप्त कर। मेरी पार करो नैया तुम्हें पंदना कर रही है सभी, तुम्हें पंदना कर रही है सभी। अपने भगवान को भी प्यार का दान दे।
नाम हमें बना दे, रब नाम हमें बना दे, आए हैं मेरे गुरुवर, रब नाम हमें बना दे। पावन हो आज मिले हैं Thank you.
अशोक नगर के मूल निवासी अभिनंदन नाथ भगवान की। एक बार पुनः बहुत धीमे से जयकारा बोलेंगे आप लोग, बोलो अभिनंदन नाथ भगवान की। इसके बाद जिनको पूजन करना है एक बार सुन लें आप लोग, जिनको स्थापना करना है अतुल जैन तरुण जी वो स्थापना करेंगे, जिनको जल समर्पित करना है जाती है सबके जिसको मोहे कर
त्रैलोकनाथस्य शासनम् जिन शासन जब ये त्रिकाल वर्ती त्रैलोक पूज विश्व आराध्य पंच परमेष्टि भगवान की अनंत आनंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की वर्तमान शासन नरसी वर्तमान महावीर भगवान की परम पूज्य चरित चतुर्थी अचर श्री शंकर सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य महात्म श्री अचर श्री पाशागर जी मुनि महाराज की अपना कल्याण कर सके। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव एक छोटे सी प्रसंग से बात प्रारंभ करें। राजस्थान की मरुभूमि मरुस्थल में दूर दूर तक जल की बात तो छोड़ो वृक्ष भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ग्रीष्म काल का समय जून का महीना एक बस चली जा रही है उस मरुभूमि की मध्य से बस में लोग बहुत आकुल व्याकुल हो रही है। लगभग मध्याह्न का समय है प्यास के मारे कंठ सुस्त हो गई सभी के चित्त में ख्याल आ रहा है कि कहीं पानी मिल जाए कहीं शीतल जल का झरना मिल जाए कहीं से कोई बारिश आ जाए या कोई जल लेकर के बस में आ जाए। तो मरुभूमि में उस ग्रीष्म काल में चिलचिलाती धूप ऐसा लग रहा था सूर्य अग्नि की गोली बरसा रहा हो। थोड़ी देर बाद बस एक जगह रुकी। एक बालक अपने दोनों हाथों में शीतल जल से भरी हुई बाल्टी लेकर के बस में चढ़ा और उन्हें कहने लगा एक रुपए के एक गिलास पानी एक रुपए के एक गिलास पानी। लोग शीलता से हाथ बढ़ाने लगे और पानी का गिलास हाथ में पकड़ने लगे एक रुपया देने लगे कोई दो रुपए पांच रुपए दिए मुझे पांच गिलास पानी चाहिए दो गिलास पानी चाहिए। एक व्यक्ति जो खिड़की के पास बैठा था उसने कहा ऐसा भी कभी होता है अरे पानी वह भी एक रुपए में एक गिलास पानी ऐसा कब से हुआ यही तो ये पचास पैसे में देना है तो वैसे तो पच्चीस पैसे भी नहीं देता। उसने कहा बाबू जी फिर क्यों दे पचास पैसे ठीक है तू कहता तो दस पैसे में देना है बाबू जी अपने पास रखो आपके काम आएंगे और वह दोनों बाल्टी लेके आगे चला बस के मध्य तक पहुंचवाया एक बाल्टी खाली हो गई और आगे तक पहुंचा दोनों बाल्टी पूरी खाली हो गई दो चार हाथ फिर भी खड़ी रह गई। पीछे वाला व्यक्ति कहता है इधर लिया चल मुझे एक गिलास पानी दे दे मैंने पचास पैसे कह दिया ना मैं दे दूंगा तुझे अब तो अब पांच रुपए भी दोगे ना तभी मेरे पास पानी पानी की जिन्हें तीव्र प्यास थी उन्होंने पैसे का मूल्य नहीं देखा। पानी का मूल्य प्यास से होता है पानी का मूल्य से कुछ नहीं होता। जीवन में प्यास तीव्र हो तो पानी मूल्यवान हो जाता है भूख तीव्र हो तो भोजन का मूल्य बढ़ जाता है। ऐसे ही जीवन में जब संयम की तीव्र पिपासा होती है तब ही जीवन मूल्यवान होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम का कोई मूल्य नहीं जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म ध्यान तप और त्याग का कोई मूल्य नहीं जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का कोई मूल्य नहीं उस व्यक्ति के लिए आगम ग्रंथ शब्दों का मात्र भंडार है। उस व्यक्ति के लिए तपस्या लोग कहते हैं क्यों तपस्या कर रहे क्यों शरीर को संभाल रहे क्यों सब त्याग कर दिया क्यों इतना कठोर संयम पालते नियंत्रण करते इंद्रियों पर। उन्होंने जान लिया है
जिस बिना नहीं जिन राज सीखे दूर लोग जिसके बिना संयम के बिना जनराज तीर्थंकर भी अपना कल्याण नहीं कर सकते तो कौन व्यक्ति है जो संयम के बिना अपना कल्याण कर सके। संसार में अनादि काल से देखते चले आ रही सुख शांति नहीं है। संसार में सुख शांति होती तो तीर्थंकर ऐसे महापुरुष भरतादि चतुर्थी जैसे महापुरुष बलभद्र और कामदेव जैसे महापुरुष वे भौतिक वैभव का परित्याग करके एक सड़ी तरीके की वर्त समान उसे छोड़ करके यथा जात दिगंबर दीक्षा को स्वीकारना महान भाव जीवन में पुण्य का महत्व तब तो समझ में आता है जब पाप करके उद्देश्य व्यतीत दुखी हो रहा है। जीवन में पुण्य का महत्व तब तो समझ में आता है जब कोई पुण्य आत्मा व्यक्ति ही पुण्य के फल को भोग रहा हो और स्वयं हम पुण्य के फल के भुगते हुए व्यक्ति को देख रहे हो किंतु अपना पाप पीछा नहीं छोड़ रहा तो समझ में आता है पुण्य भी कोई चीज है जिस पुण्य के कारण संसार की कोई भी इष्ट वस्तु प्राप्त की जा सकती है। आचार्य कुतुब स्वामी जी ने कहा जिस पुण्य के माध्यम से अनंत अवस्था तक प्राप्त होती है और जो पुण्य जाते जाते मोक्ष पद को देख करके जाते संयम की प्राप्ति सम्यक ज्ञान के माध्यम से होती है। सम्यक ज्ञान ज्ञान की धारा जीवन की धारा को बदलने वाली होती है। जब तक व्यक्ति का चिंतन नहीं बदलता है तब तक व्यक्ति का चित्त नहीं बदलता है। जब तक व्यक्ति अपनी क्रियाकलापों की धारा को नहीं बदलता है तब तक व्यक्ति की जीवन धारा नहीं बदलती है। सूर्य सीधे के साथ तक साफ से लेकर सूर्य तक जिन कार्यों में संलग्न है रुचि है मन लग रहा है तो वैराग्य का कोई चांस ही नहीं। जब जीवन में कोई धक्का लगता है गहरी चोट पहुंचती है तब समझो उसकी कोई नींद टूट जाती है। किसी इष्ट का वस्तु का या व्यक्ति का वियोग हो जाए तब लगता है संसार तो आसान है कुछ भी नहीं। कल तो अच्छे खासे बैठे थे चर्चा कर रहे थे आज जब सब कुछ होकर चली गई तो बड़ा धक्का सा लगता है नींद टूट जाती है। अरे जीवन में करोड़ों कमाया और सब चला गया कैसा लगता है जैसे ओस की बूंद अभी मोती जैसी दिख रही थी सूर्य के उदय होते हुए लुप्त हो गई ऐसे संसार का व्यवहार लुप्त हो जाता है। ये तन ये धन ये यौवन ये मन और वचन सब छेद हो गया। बिजली की चमक की तरह से दिखाई देने वाला यह संसार का वैभव केवल चित्त को लुभाता है भोगने में नहीं आता। इसलिए प्रज्ञ पुरुषों ने बुद्धिमान पुरुषों ने विवेकी जीवों ने उसके यथार्थ स्वरूप को समझ करके उसका दोष ही प्रत्याग किया। महान भाव मुन्ना श्री ज्ञानंद जी महाराज और मुन्ना श्री शरण जी महाराज भले ही उन्होंने ग्रस्त जीवन में अपने कर्तव्यों का भी पालन किया ऐसे भी नियंग महाराज जी कह रहे कि मैंने ग्रस्त जीवन में अपने कर्तव्य पालन करके पर गृहत्या किया है। आत्मानंद जी महाराज भी सेवानंद जी महाराज जी भी इस पर प्रत्याग कर किया है। हमारे ज्ञान जी महाराज ग्रस्त जीवन में पंडित जयचंद जी के नाम से विख्यात थे। प्रतिष्ठाएं कराना विधान कराना स्वाध्याय करना पाठशाला चलाना और सम्मान पूर्वक अजमेर में अपना जीवन यापन करना किंतु उन्हें वह जिंदगी रास नहीं आई और संसार से लोगों से व्रत हुए। मन में विचार आया कि बस सब तो इस कीचड़ से निकलना ही निकलना है। व्यक्ति मन में कोई भी शक्ति ले ले उसकी भावना अधूरी नहीं रहती। संकल्प अधूरा हो भावना ही डवाडो हो तो बात अलग है अंत संकल्प विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसके सामने देवों के भी मस्त मंत्र जाते हैं। संकल्प के सामने कहते हैं सूर्य चांद की गति भी रुक जाती है संकल्प पूरा होता है। उन्होंने संकल्प लिया पहले ब्रह्मचर्य लिया और कोई अधिक आयु में नहीं लगभग 40-45 साल की उम्र में ही ब्रह्मचर्य का पालन का संकल्प लिया वृत्ति बनी दो प्रतिमा पांच प्रतिमा सात प्रतिमा नहीं और क्रमश आगे बढ़ते हुए 3 दिसंबर 2007 में कार्यक्रम शुरू अधिकशाली
9 मई 2009 में 28 मई 2009 में इला दीक्षा और 1 अप्रैल 2011 में मैं दीक्षा स्वीकार श्रवण जी महाराज ने व्यस्त जीवन से विरक्त होकर के पहले शास्त्रों के हितों का पालन करना प्रारंभ किया। उनकी भी शरिया निर्मल आध्यात्मिक और अचानक पंडित जयचंद जी की दीक्षा का समाचार सुना तो आगरा आकर के नौलिका को चल रहा था, मुझे भी दीक्षा चाहिए। उन्होंने कहा दीक्षा से देते नहीं, पहले ही परीक्षा लेते तो दीक्षा लेते, कुंडली माता जी की प्रेरणा रही कि दीक्षा को दे दो। हमने संग में रखा नहीं ऐसे दीक्षा कैसे दे। माता जी बोली कि मेरी गारंटी है, ये बहुत भद्र प्रणाली है और अपनी दीक्षा को निभाएंगे, उच्च कोटि की साधना करेंगे। और उन्होंने भी अचानक साथ में 3 दिसंबर 2007 में दीक्षा ली, सुलभ दीक्षा। यह दीक्षा साधना में 28 मई 2009 में और मुनि दीक्षा उन्हें 1 अप्रैल 2013 दोनों दीक्षाएं साथ साथ थे। महानुभाव अपनी चर्या से चित्त में शांति है, चर्या से जिन शास्त्र की प्रभाव संयम की दुर्धर साधना, क्योंकि ग्रस्त जीवन से निकल करके आता है जो व्यक्ति उसके संस्कार सहज में नष्ट नहीं होते हैं, किंतु यहाँ पर आकर के इनका जीवन पूरा ही बदल गया। व्यस्त जीवन में इनका जीवन कैसा रहा, जिनके संपर्क में रहे होंगे उन्हें ज्ञात होगा, किंतु यहाँ पर साधु जीवन स्वीकार करते ही जीवन में आमूल परिवर्तन, ज्ञान के प्रति तीव्र रुचि, संयम के प्रति बड़ा लगाव, तत्व चिंतन और धर्म ध्यान के प्रति मन में तीव्र उत्पन्न भाव। और आज क्षण में दोनों मुनि महाराज, बड़े मुनि महाराज हैं, ज्ञान जी महाराज, श्रवण जी महाराज, दोनों ही प्रथम गति महाराज हैं, इसके उपरांत अन्य मुनि महाराज हैं। सभी की साधना उत्कृष्ट रूप से संपन्न हो, सभी अपने मन को धर्म ध्यान में संलग्न करें और जिस उद्देश्य प्रत्याग किया दीक्षा स्वीकार की वह उद्देश्य लक्ष्य में प्राप्त हो, उनके उद्देश्य भावना बातें हैं। और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद महाराज के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं। उन्होंने चाहे उपाध्याय पद का संस्कार किया, आदेश देकर के मेरा आदेश है, हम केकड़ा थे और श्री विश्वासनगर की कमेटी, उनको द्वारती की कमेटी पहुंची, ईश्वर जी आदि महाराज ने आदेश दिया है कि आपको पंचकार को विश्वास कराना है और अच्छा शिक्षक संस्कार किया। जैसा भी महाराज ने बताया कि ग्यारह चातमास करके आई आप फरीदाबाद शिलान्यास करा गया मंदिर का और के कुंद भारती पहुंची, उन्होंने कहा आपको सरप्राइज देना है। क्या सरप्राइज है? और 1 अप्रैल को आपको इलाज पर देना है, मैंने कर लिया है गुरु आदेश आदेश। उन्होंने बड़ी मेथी कृपा की प्रत्ये की संस्कार तक। इसके साथ 2015 में जब छात्रवास 2014 का अकेदमी से लौटे थे और आचार्य श्री दर्शन करने 3 जनवरी 2015 को पहुंचे, अचानक ही कहने लगी केसर की कटोरी का और तुरंत ही बोले क्यों आचार बता। कुछ गुरुदेव का जो हमारे वासल रहा, आशीर्वाद रहा, सत्तातीत है, उन्होंने अपने ज्ञान के संस्कार, संयम के संस्कार देकर के तप और धर्म के संस्कार देकर ये पद आदि तो लोग की बातें हैं, इनसे आत्मा का विशेष संबंध नहीं है, ये व्यवस्था है शंख को समाज की। कुछ गुरुदेव ने अंतरंग से अंतरात्मा से जो आशीर्वाद दिया समाधि के समय भी 21 सितंबर 2019 भारतीय समाधि की ज्येष्ठ गुरु उन्होंने दोनों हाथ सिर पर रखकर के जो अंतरात्मा से आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद 3 लोग की तरह से भी बढ़ चुके मान रहा। कुछ गुरुदेव की स्मृति चित्र समाधि में रहती है, ऐसा लगता है कुछ गुरुदेव आज भी हमारी शामिल प्रतिमा है, उनका प्रतिक्षण
आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमेशा अपना आशीर्वाद असंभव में दिए देते हैं और कुछ मुझे किसी चरणों में जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, जीवन दिया, जीवन जीने की एक विधि बताई, कल्याण का मार्ग दिखाया, और कुछ मुझे आचार शिक्षा नहीं मिला किसी चरणों में। हम अंत की श्रद्धा भक्ति गुरु सिद्ध सत आचार भक्ति सहित अनंत से प्रणाम करते करते हैं। एक कुछ बोलते हैं आपने जो बारंबार किया, हम जैसे अनेक व्यक्तियों को उपकार किया संसार में, उपकार करने की परंपरा सदैव जीवंत रहे। हमसे भी किंचित किसी का उपकार होता है, हम भावना भाते हैं कि सभी ये दूसरे के उपकार करने की भावना रखें, सभी ये भावना भाई अपना कल्याण करने के साथ साथ हम किसी दूसरे के कल्याण में भी निहित बने, यही भावना श्री स्तर है। और आप सब आज इस दर्शन प्रस्तुत हुए, आप सभी महानुभावों को भी वास्तव आशीर्वाद। और यही संकेत है, चाहे तो अपने जीवन में कोई भी छोटा सा नियम ले सकते हैं, एक छोटा सा नियम भी आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। घुटनों के बल चलते चलते छोटा बालक जब खड़ा नहीं हो पाता घुटनों के बल चलता है, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, फिर खड़ा होता है, अगर खड़ाता है तो पैर बढ़ाता है, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। सबसे पहले और भगवान की किया महापदमा के तीर्थ करोगे तो छोटा त्याग भी होता गिरा सकता है। आपने यदि एक महीने का भी कोई जन्म आदि का त्याग किया, एक महीने का भी जाति का त्याग किया, एक महीने का भी आपने दिवदर्शन का नियम दिया, एक महीने का भी आपने माला फेरने का नियम दिया, एक महीने का भी आपने अपनी कोई बुरी आदत को छोड़ा है, संभव है आपके चित्त में विशुद्धि भी बढ़ेगी और शक्ति का प्रभाव होगा, इससे आप बड़े बड़े नियम भी पालन कर सकेंगे। हम तो कृत्रिम भावना बाते हैं कि आप सभी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी एक छोटा सा नियम आज फर्स्ट अप्रैल है, दुनिया तो अपना गुरु बना रही है और आप दीक्षा दस मना रही है, तो दीक्षा दस मनाना कभी सार्थक होगा। जब कोई भी छोटा सा भी नियम संकल्प आप लेकर के जाते हैं तो आपका दीक्षा दस मनाना सफल और सार्थक होगा। आप सब बहुत बहुत आशीर्वाद। नियम दे दिए कि बात लेकर बहुत अच्छा, जो भी आपका नियम हो हम ये नहीं कि जीवन भर के लिए भली आपने चार दिन का लिया, एक दिन का लिया, महीना भर का लिया, डरते डरते संसार अच्छा लगता है। जो भी नियम का पालन करोगे उसका पट आपको ही डरना है, डरना नहीं। चाहे आपने नियम का त्याग किया, कोई नियम कहेगा, चाहे आपने रविवार का नियम का त्याग किया या मंगलवार को मेरे का त्याग किया, कोई भी त्याग किया, जो भी नियम आपसे पल सके वह नियम आप दे दें। कोई एक महीने का जन्म का त्याग किया बहुत अच्छी बात है। आज से दो प्रतिमा के व्रतों का अभ्यास करूंगा और व्रत होने पर संकल्प व्रतों के प्रताप लेना स्वीकार करूंगा। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद आपको धनी के बारे में चेक किया है। अंकुर जी है, बहुत अच्छी साधना चलेगी, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये आगे वहां पर बढ़े दो प्रतिमा के व्रतों का अभ्यास करेंगे। जमीकर दादी का परिचय त्याग है और भी कोई पालन कर रही है, इनके परिवार को इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, इनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इनके लिए बहुत बहुत भावना भाते हैं। और आप सब लोगों ने नियम लिया इसलिए आपको एक बार और आशीर्वाद देते हैं कि आपकी अंदर ऐसी शक्ति का आविर्भाव हो कि और लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया और पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मंदिर कमेटी आपका सभी का धन्यवाद करती है। जय जय अश्विनी कृष्ण अमावस्या को धरती पे आए तेरे सभी देवी संग सब हर साए थे, दूर हुए तबे धरा से अन्यारे
सूरज की निगाहें देखे हैं चांद सितारे की दुर्बल की पलों दिल के सारे विद्यानंद गुरुवर के शेष कहाए हैं आचार्य वसुनंद गुरुवर हमने आए हैं रति कहे की गुरुवर प्राणे हमारे की दुर्बल की पलों दिल के सारे सूरज की काजी देखे हैं चांद सितारे गुरुवर की उतारो दिल के सुंदरने बनाई है भक्तों में ज्ञानी की ज्योति जलाई है साथ रहे मन बिन साधन सहारे हो आरती गुरुवर की उतारो दिल के सहारे सूरज की काजी देखे हैं चांद सितारे आरती गुरुवर की उतारो दिल के सहारे सब शिष्यों के मत ऐसे लागे हैं समोचरण के बीच जैसे तीर्थंकर भी लागे हैं लेकर रूप बिना का धना पे अब तारे आरती गुरुवर की उतारो दिल के सहारे हो सूरज जिनका जीते के चांद सितारे आरती गुरुवर की उतारो दिल के सहारे घटी घड़ी अंबर घड़ा जीने के सहारे आरती गुरुवर की उतारो दिल के सहारे आरती गुरुवर की उतारो दिल के सहारे आरती गुरुवर की उतारो मिल के सारे जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिराज के नमोस्तु गुरु सभी लोग दूर दूर से कोई चरण ना छूटे और सभी मास्क लगा करते रहे।